गुड मॉर्निंग एवरीवन, शुभ प्रभात। कैसे हो आप? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। ध्यान रखना अपना। सो अभी यार बहुत ठंड गिरी है, ठंड चालू हो गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत भूख भी लगती है यार, सच्ची बहुत भूख लगती है। तो अब मैं जा रही हूँ जिम, जिम जाना पड़ेगा। वैसे तो मुझे नींद भी बहुत आ रही है, लेकिन नहीं, मैं जिम जाऊंगी। क्योंकि कैसे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि ठंडी में ना भूख बहुत लगती है। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत भूख लगती है और मैं और फिर मैं खाऊंगी और फिर मैं मोटी हो जाऊंगी। नहीं बाबा, नहीं, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा अपनी बॉडी पे। आप भी अपना ध्यान रखिए यार, खाने पीने पे। देखिए, हम लोग अभी हमारे बॉडी पे ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो आगे चल के ना हमें तकलीफ़ हो जाएगी और फिर हमें फिर बीमारी लग जाएगी, फिर हमारे पैर दुखेंगे, ये दुखेगा वो दुखेगा। तो अभी हमारे बॉडी को हम वैसे बैलेंस रखना चाहिए। सब देखिए, मैं तो खाती हूँ, मैं सब खाती हूँ, बट थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे सब सुबह के जो काम थे वो सब फिनिश हो गए हैं और अब मैं जा रही हूँ जिम। बेबी सोई है, तो चलिए मैं चलो मैं अब जिम के लिए निकल रही हूँ। आपको एक बताती हूँ, ये है मेरी बहन जो मेरे साथ रही थी ना वीडियो में, और मैं इसे प्यार से बुलाती हूँ बैल। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देख रही है क्या? अच्छा, रील्स देख रही है। ओके, सो ये है मेरी सगी बहन। एज ये छोटी है, मेरे से छोटी है, ठीक है, बट साइज से बहुत बड़ी बड़ी है। सो गाइज, आ जाओ। आज का सुबह का नाश्ता जो मैंने बनाया है, बहुत मेहनत की है। तो मैंने ऑमलेट और ब्रेड, कितना मेहनत किया देखो, इसको कितना मेहनत लगता है। तो आ जाओ। वैसे तो मेरा आज नाश्ता बहुत लेट हो गया है, मैं जिम से लेट आ गई और बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी। सो मैं पहले खा लेती हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ। बाय। सो मेरा नाश्ता हो गया है, पेट भर चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है यार। मतलब बहुत भूख लगी थी और आज मेरा जो नाश्ता था वो लेट हो गया है, ठीक है, चलता है। सो गाइस, चलो आप लोगों को आज मैं मेरा घर दिखाती हूँ। मेरा घर नहीं, ये मेरा घर नहीं है, मेरे पास घर ही नहीं है। ये मैं यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ। ये मेरी दीदी का घर है जो भाईखाला में रहती है, ये उसका घर है, उसके खुद का घर है जहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ। मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर लेना है। बहुत सारे सपने पूरे करने हैं, मेरी बच्ची के सपने पूरे करने हैं, जो मैंने कभी कुछ किया नहीं है मुझे मेरी बच्ची के लिए करना है। तो पहले तो मुझे मेरा घर, मेरा खुद का घर लेना है। तो बहुत सारे सपने जो मुझे पूरे करने हैं। तो यहाँ पे अभी चलिए मैं आपको मेरा एक छोटा सा, चलो अभी तो फिलहाल मेरा है, तो मेरा छोटा सा एक घर दिखाती हूँ आप लोगों को। चलो जब मैं इसके साथ रील्स बनाती हूँ ना, तो इसको बताने की जरूरत नहीं, ये मैडम मुझे बताती है कि मम्मी ऐसा करो वैसा करो। लेकिन सच बताओ, मुझसे ज्यादा इसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छा वीडियो बनाती है ये। तो जाने दो, ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाने का उसको, आली मोटी शानी। सो ये मेरा छोटा सा घर है,
लेकिन मुझे मेरा सपना पूरा करना है, बहुत मेहनत करनी है और घर लेना है। जब मैं घर लूंगी ना तो देख लेना, आ कितना सुकून। गाइस देखिए, मैं यहाँ पे भी है ना अपने शॉर्ट्स वीडियो है ना पोस्ट करती हूँ, सो प्लीज मुझे भी वहां पे लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एंड तक देखना। गाइस एक ने मुझे कमेंट्स किया है कि आपके पति के बारे में भी बताओ। यार अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, सो अभी मैं अपने बारे में बताऊंगी, मैं क्या हूँ क्या नहीं, क्या क्या मैंने किया है, मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे वीडियो का मज़ा लीजिए, आप लोगों को सब बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप करके। वैसे आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन धीरे धीरे करके सब बताऊंगी। फिलहाल तो मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। दिल को तुमसे प्यार हुआ पहली बार, हुआ तुमसे प्यार हुआ, मैं भी आशिक यार हुआ पहली बार, हुआ तुमसे प्यार हुआ, छाई है बेताबी मेरी जा, करूं मैं क्या करूं। मुझे अच्छा लगता है गुनगुनाना। सो गाइस देखिए, मैंने सुबह में सब्जी ली थी, यार बहुत थक गई, इतनी सारी सब्जी मैंने अब भी साफ किए, चलो दिखाती है, देखो ये इतनी सारी सब्जी मैंने साफ की है, पूरा पसारा हो गया है और अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। यार बहुत कमर गई मेरी मम्मा, तो चलो अभी मैं खाना बनाने जाती हूँ, लेट हो जाएगा। और ये जीविका यहाँ पे आ गई है ट्यूशन से, या गई अभी ट्यूशन से, इससे कुछ खिलाती हूँ और फिर होमवर्क करना भी, ठीक है, जा थोड़ा खेल के आओ। सो गाइस चलिए, मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ, बहुत लेट हो जाएगा, बेबी को खाना खिला के उसको सुलाती हूँ, क्योंकि अभी देखिए छुट्टी का टाइम है और थोड़ा उसको आराम करना चाहिए, क्योंकि एक बार स्कूल चालू हुआ तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो जितना वो आराम कर रही है, जितना वो मस्ती कर रही है, देखो अभी भी मस्ती कर रही है। अब डांस करके दिखाओ। डांस कर रही थी वो, अभी बहुत मस्ती करती है वो। सो चलो, इतना मेरा ऐसा रूटीन रहता है। और कुछ भी आपको मुझसे पूछना है मुझसे, और कुछ नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बता दें। ओके बाय।